और ये हो गया पूरा फिनिश। अब इसकी कंडीशन देख सकते हैं आप किस तरह का हो गया ये। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पुराने फर्नीचर के ऊपर पॉलिश कैसे करते हैं। इस फर्नीचर के ऊपर वीनियर लगी है और लकड़ी की मोल्डिंग लगी हुई है। तो इसके ऊपर पहले मैं आपको डैशबोर्ड पॉलिश मार के दिखाऊंगा साफ करके, उसके बाद में इसके ऊपर टचबोर्ड पॉलिश करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेना है हमें थोड़ा सा गर्म पानी और डेटॉल, ये डेटॉल हैंड वॉश है, और 1-2 इंची का ब्रश चाहिए होगा हमें, क्योंकि जो कोने में मिट्टी लगी हुई है उससे ही साफ होगी। आप डेटॉल की जगह पे वॉशिंग पाउडर भी ले सकते हैं या कोई साबुन भी ले सकते हैं। तो इसी को मिक्स करना है इसमें थोड़ा सा, और इसको हिला लेना है। और जहां पे मिट्टी लगी है कोने में, जहां हाथ नहीं पहुंचता है, वहां पे इसको लगा देंगे ब्रश से इस तरह से, ताकि वो मिट्टी पूरी साफ हो जाएगी। इस तरह से लगाने के बाद में इसको फिर कपड़े से साफ करेंगे, ताकि इसमें जो दाग दुग लगे हों वो साफ हो जाएंगे। इससे जो हाथ के दाग वगैरह लग जाते हैं वो इससे साफ हो जाएंगे बढ़िया, और मिट्टी भी साफ हो जाएगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, अगर आपको कॉल करनी है तो कॉल भी कर सकते हैं। फिर इसको कपड़े से पोंछ के अच्छी तरह से साफ कर देना है, कहीं पानी ना रह जाए। और ये मैंने कर दिया है पूरा, कोने कोने में जहां मिट्टी लगी थी वो मैंने साफ कर दिया है। उसके बाद में ये है लेदर पॉलिश, वैक्स पोल कंपनी की है ये। आप चाहें तो वैक्स पोल लिक्विड पॉलिश भी ले सकते हैं, या तो कोई दूसरी भी पॉलिश ले सकते हैं इसकी शाइनिंग के लिए। अगर आपको पॉलिश नहीं करनी है, आपकी कंडीशन सही है फर्नीचर की, तो इसको लगा के आप उसमें शाइनिंग ला सकते हैं। साफ करने के बाद में इसको लगा देंगे, इससे इसमें शाइनिंग आ जाएगी। इसको जितना आप रगड़ेंगे उतनी शाइनिंग आएगी इस फर्नीचर में, अगर आपका फर्नीचर की कंडीशन सही है तो। बाकी अगर कंडीशन सही नहीं है तो उसको तो पॉलिश ही करना पड़ेगा। आपको पॉलिश किस तरह से करनी है वो भी मैं बताता हूँ आपको आगे चल के, आगे वीडियो में। और ये यहाँ पे मार दिया मैंने, थोड़ी जगह पे मारा हुआ है आपको दिखाने के लिए। अब अगर इसके ऊपर आपको पॉलिश करनी है टचवुड वाली पॉलिश, क्योंकि इसके ऊपर पहले नेचुरल टचवुड पॉलिश हुई है तो उसके ऊपर वही पॉलिश होगी, तो उसके लिए सबसे पहले हमें रेगमाल लेना है, 220 नंबर का वाटर प्रूफ रेगमाल, और इसको रगड़ देना है। इसको इतना रगड़ना है कि इस पर जो चमक है वो पूरी निकल जाए। दबा के अच्छी तरह से मार देना है, उसके बाद में अगर आपका फर्नीचर टूटा फूटा है तो उसके लिए, जैसे आपका ये नेचुरल है तो इसमें टीक वुड फिलर का प्रयोग करेंगे, अगर आपका डार्क है या ब्राउन है तो उसमें वॉलनट कलर का वुड फिलर प्रयोग करेंगे। रिपेयर करने के बाद उस रेगमाल लगा देंगे। मैं इसके पर रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। रेगमाल होने के बाद में इसको साफ कर लेंगे अच्छी तरह से ब्रश या कपड़े से।
उसके बाद में लेना है हमें स्प्रिट पॉलिश, ये लाख दाना और स्प्रिट को मिक्स करके बनाई गई है, और इसको एक डब्बे में छान लेना है। छानने के बाद में इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और छानने के बाद में इसको लगा देंगे। इस तरह से तो ये पूरा साफ हो जाएगा। रिपेयर करने के लिए आपको एक गद्दी पॉलिश मारने के बाद में उसके बाद ही रिपेयर करनी है। रिपेयर करने के बाद में रेगमाल लगा के उसके ऊपर एक गद्दी और मार देंगे पॉलिश की, एक दो। उसके बाद में रेगमाल लगा के सीधा इसके ऊपर टचबुट अप्लाई कर देंगे। तो कोने 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 में ब्रश से लगा लेंगे पॉलिश, क्योंकि वहां हाथ नहीं पहुंच पाता है। और ये कंप्लीट हो गया पूरा, पॉलिश लग के तैयार है। अब इसकी शाइनिंग के लिए इसके ऊपर मारेंगे टचवुड ग्लोसी, क्योंकि पहले इसके ऊपर टचवुड ग्लोसी ही हुआ था। इसको पतला करने के लिए इसमें तारपीन का तेल मिक्स करेंगे। ये 1 लीटर में 100-200 ग्राम तक तारपीन का तेल मिक्स किया जा सकता है। आपको जितना भी मिक्स करना हो, अगर हाथ से करना है या ब्रश से करना है, जैसे भी करना है आप उस हिसाब से तेल मिक्स कीजिए, लेकिन 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसको ब्रश से या कपड़े से लगा देंगे। टचवुड लगाने के बाद में आपको उसको 5-7 घंटे बचा के रखना पड़ेगा धूल मिट्टी से, क्योंकि जल्दी सूखता नहीं है टचवुड। अगर इसके ऊपर धूल मिट्टी आ गई तो दाने पड़ जाएंगे, तो बाद में रफ जैसा मालूम पड़ेगा। तो इसको आपको अच्छी तरह से बचा के रखना है। और इसमें जो सामान लगा हुआ है उसकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें 2-3 आइटम ही लगे हैं, एक तो स्प्रिट पॉलिश लगी हुई है, दूसरा टचवुड और तारपीन का तेल, बाकी तो कुछ प्रयोग नहीं हुआ है। और इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ।